नंदू संजू मैं काम पर हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाद में तो बात करती ही नहीं हो, फोन करता हूँ तो कट कर देती हो। मैंने कहा ना मैं इस वक्त काम पर हूँ, बाद में फोन करती हूँ। Oh!
इस फुटेज को एडिट सूट में डम कर दो। ओके नंदिनी। मैंने कहा हाँ ठीक है। हमारी हमारे चैनल को नंबर वन प्लेस पर आना चाहिए। जरूर आएगा सर। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। यस कम इन। कोशिश कीजिए। नमस्ते सर। मोहन ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार है। फुटेज पूरा डम हो रहा है। आज के दिन की सेंसेशनल खबर है। नंदिनी बैठो। मैटर क्या है नंदिनी? वही सर, गोल्ड कंपनी स्कैम। अरे रुको रुको, ये चोट कैसे लगी? सब बहुत मेहनत करके परेशानी उठाकर फार्म हाउस का फुटेज ले आई हूँ। कंपनी के डायरेक्टर राजेश और होम मिनिस्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं। बात हमने ही एक्सपोज की है सर। राजेश पिछले कुछ दिनों से एब्सकॉन्डिंग है सर, लेकिन आज वो होम मिनिस्टर से मिलने के लिए उनके फार्म हाउस पर आया था। इस फुटेज के जरिए वो दोनों मिले हुए हैं, ऐसा हम श्योरली कह सकते हैं। नंदिनी ये मामला होम मिनिस्टर से रिलेटेड है। अगर इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या जरूरत है मोहन? लोगों को झूठी आशा दिखाकर उनका पैसा लेकर भागने वाला फार्म हाउस पर आ रहा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। सब चोर मिलकर फार्म हाउस पर आ रहे हैं, इसी का एक्सक्लूसिव फुटेज है मोहन। अगर हम इसकी स्टोरी क्रिएट करके अगर हम इसे टेलीकास्ट करेंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा। और हम पर कोई आंच आई तो? मतलब सेंसेशनल न्यूज को छोड़ देंगे मोहन, कॉन्ट्रोवर्सी तो होकर ही रहेगी। नंदिनी। मोहन, नंदिनी जैसा बोल रही है वैसा करो। ओके सर। ओके गुड, बाय नंदिनी। बाय सर। पूरा फुटेज एडिट करके वॉइस ओवर डाल देती हूँ। नंदिनी, प्रेस के फ्रीडम के नाम पर तुम अपनी हद पार कर रही हो। उनके पास पावर है ट्रेसपासिंग करने के लिए, अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी सिटी कमिश्नर अच्छा आदमी नहीं है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं मोहन, ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो सच बाहर नहीं आएगा। अन्याय सहन करने वाली जनता को अगर हम विश्वास नहीं दिलाएंगे, हमारा चैनल जनता का पसंदीदा चैनल नहीं बनेगा। मुझसे ज्यादा जर्नलिज्म को तो तुम जानते हो, तो फिर आज तुम शांत क्यों हो गए? सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी आइडियोलॉजी में भी बहुत फर्क आ चुका है। अब तुम मुझसे बहस करोगी? कूल 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 कूल। गेट रेडी फॉर द क्लिक, द ब्रेकिंग न्यूज। पापा, आज हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है, तैयार रहने के लिए कहा था ना मैंने। अरे उससे ये रोग कम नहीं होगा, ना ही जाएगा, रहने दो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, पीने के बाद तैयार हो जाइए। नंदिनी, नंदिनी कहा ना, हर बार यही रामायण सुनाती हो। हॉस्पिटल का नाम लिया तो रामायण महाभारत सुनाने लगते हैं। पापा कॉफी।
ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं पापा, आते समय गाड़ी स्किट हो गई थी। ध्यान से चलाना चाहिए ना बेटा, हर काम में जल्दबाजी करती हो, गाड़ी आराम से चलाना चाहिए ना। डोंट वरी पापा, छोटा घाव ही तो है। वैसे भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तुम्हें भी मेडिसिन और इंजेक्शन लेना होगा। ठीक है, ओके। कॉफी पियो। नंदनी, कॉफी बहुत अच्छी है बेटा। थैंक यू पापा। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही कॉफी बनाया करती थी। महालक्ष्मी जल्दी चली गई, तुम भी अपनी माँ की तरह ही खाना बनाना भी सीख जाओगी तो तुम्हारा पति, सास ससुर सब सुखी रहेंगे। पापा आप है ना, आप टेस्टी खाना बनाते रहिए और मैं खाती रहूंगी। मैं क्यों ये सरदर्द पालूं? मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहूंगा क्या? तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए खाना बनाता रहूंगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जरा भी आराम न देने वाले इस जॉब को छोड़कर 9 to 5 टाइमिंग वाले किसी जॉब को देखो बेटा, ऐसा रिस्क नहीं चाहिए। पापा अगर मैं चाहूं तो मुझे 100 नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरा खुद का एक नाम और पहचान हो इसीलिए तो मैं ये काम कर रही हूँ। ये टीवी मीडिया में नंदिनी का नाम हमेशा रह जाना चाहिए। तो मैं चलती हूँ, बाय सुधा। कहीं इंजेक्शन न दे दे। नंदिनी अंकल आइए। सुधा तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई? कोई बात नहीं, बाद में चली जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटी, रूटीन है ये ना। डॉक्टर विश्वनाथ जी का अपॉइंटमेंट है, पेशेंट का नाम है रामाराव। ठीक है, मैं नोट कर लूंगी। आइए। चलिए पापा, बैठिए अंकल, आराम से। ठीक है, ओके सुधा, अब तुम जाओ। कोई बात नहीं, कंसल्टेशन हो जाने के बाद चली जाऊंगी। सुधा, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। थैंक यू अंकल। सुधा देखो ये कहीं गिर गई और घायल हो गई है। नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, गाड़ी स्किड हो गई थी और मैं गिर गई। पहले आओ, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। छोटा घाव है, कोई जरूरत नहीं। जाओ, आओ ना नंदिनी। पापा आप भी ना। तुम्हारा भाई कैसा है? ठीक से पढ़ रहा है ना? वो एकदम ठीक है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। मुझे उसकी एग्जाम फीस भरनी है। मेरे गांव के पहचान के एक आदमी यही रहते हैं, मैंने उनसे फोन करके बात की तो उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। ड्यूटी के बाद वहीं जा रही हूँ। सुधा पक्का देंगे क्या? दे तो देना चाहिए, देखते हैं। सुधा तुम्हारा अकाउंट नंबर भेजो, मैं अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं रहने दो नंदिनी। यू डोंट वरी, जब पैसे आ जाएंगे तो दे देना, ठीक है? थैंक यू नंदिनी। ओह सॉरी 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 सॉरी। ओके। बनने वाले गोल्ड स्कैम का किंग पिन राजेश चुपके से होम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर से मिलने गया। इस स्कैम की जब इंक्वायरी हो रही थी तब एब्सकॉन्डिंग होने वाला राजेश इस राष्ट्र के होम मिनिस्टर से मिलने क्यों आया था? टीवी 16 के स्टिंग ऑपरेशन में मिला हुआ एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए। हाँ, पब्लिक का जो नुकसान हुआ उसका हल निकालने के लिए, स्कैम के कारण जो प्रॉब्लम हुई उसे सॉल्व करने के लिए ही मैं अजय सराफ से जाकर मिला। इससे ज्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
क्या हुआ, खेल रही हो मेरे साथ? हाँ खेल मैं नहीं खेल रही हूँ, तो तुम खेल रहे हो। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जब मैंने फोन किया तो तुमने नहीं उठाया, तुमने फोन किया तो मैंने नहीं उठाया। हाँ चैनल में बहुत बिजी रहती हूँ तुम्हें पता है ना। अभी ऑफिस में बिजी रहता हूँ। हाँ तुम कितने बिजी रहते हो मुझे पता है, जब देखो तब ऑफिस में कॉन कॉल्स पर मीटिंग्स ही चलती हैं। तुम्हारा काम मुझे नहीं पता है क्या? सुबह से लेके रात तक बस न्यूज ही दिखाते रहते हो, इरिटेट कर देते हो यार। ओके ओके अब हम बहस क्यों कर रहे हैं? ठीक है हम कब मिल रहे हैं? इवनिंग 6 o'clock। तो फिर ओके। मैं फोन नहीं करती कहते हो, करने पर उठाते नहीं हो। मेरा काम क्या है, मैं चैनल में बिजी कितनी रहती हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी दूसरों के चैनल में काम कर रही हो तो इतनी बिजी हो, कल को अपना चैनल खोल दिया तो क्या होगा, सिर्फ स्क्रीन पे ही तुम्हें देख पाऊंगा मैं। तुम जो सोचते हो वैसी बात नहीं है, एक ना एक दिन मैं खुद का न्यूज चैनल लॉन्च जरूर करूंगी, उसे इंडिया का नंबर वन न्यूज चैनल बना के ही रहूंगी। तुम मेरे एम्बिशन को सपोर्ट करोगे ना? डेफिनेटली नंदिनी, तुम अपने ऑफिस में मुझे ऑफिस बॉय का काम दे दो, मैं 24 घंटे तुम्हारी सेवा में रहूंगा। ड्रामा मत करो। आई एम सीरियस यार। तुम्हारे पेरेंट्स की बात करें तो वो हम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे है ना? हमारे घर वाले माने या ना माने, आई कांट लीव यू। भले ही मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगा। आई लव यू नंदिनी, लेकिन तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना? ये पूछने की जरूरत है संजू? जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। सर इस तरफ आइए। चलो आइए। सुबह सुबह ये मर्डर केस कैसा है? सर तुम मेरे साथ आओ। सर ये लड़की कौन थी? पता नहीं सर। एम्बुलेंस को फोन किया क्या? किया है सर, फोरेंसिक वालों को भी बुलाया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। स्पॉट के ठीक से छानबीन की, अगर उसका कोई रिश्तेदार है तो उसे फोन करके इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो, हमसे पहले तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है? क्यों सर मजाक कर रहे हैं? नो नो इट्स अ फैक्ट, आप न्यूज चैनल वाले भी ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में गली गली जंगल जंगल कहीं भी घुस जाते हैं। गली गली में नहीं सर, जनता के दिलों में घुस जाते हैं, जहां सच्चाई होती है वहां पहुंच जाते हैं। चलिए हो गया, चलिए चलिए जाइए। वैसे हुआ क्या है सर? यह हादसा रात को हुआ होगा, रेप और उसके बाद मर्डर। सुधा, सुधा चैनल्स वालों को दूर ही रखो। ठीक है सर। सुधा टच मत कीजिए मैडम। सुधा चलो देखते हैं। सुधा, 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 क्या हुआ तुम्हें? सुधा, सुधा, सा, ये लड़की सुधा है। तुम कैसे जानती हो? रामदेव हॉस्पिटल में ये नर्स का काम करती थी, इसके भाई के अलावा इसका और कोई नहीं है। सुधा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ओके ओके कंट्रोल योरसेल्फ। देखो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कैसे हुआ इसकी छानबीन करनी पड़ेगी, प्लीज जाइए। इस एरिया को ब्लॉक करो और ध्यान रहे कोई आने ना पाया। पंचनामा के लिए बॉडी को भेज दो। ओके। Thank you.
यहाँ पर एक सिग्नेचर करिए। अंकल नंदिनी को आने में लेट होगा, इसलिए ये देखिए मैं आपके लिए खाना और आपकी दवाई लेकर आई हूँ। अरे तुमने क्यों तकलीफ? मुझे अपनी छोटी बेटी मानते हैं ना, खाना ठंडा हो जाएगा। खा लूंगा बेटा, जल्दी क्या है। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं इंजेक्शन दे दूंगी। अरे इससे अच्छा तो मैं खा ही लेता। उसे तुमने खा लिया क्या? आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा नहीं चलेगा, तुमको भी मेरे साथ खाना होगा। मेडिसिन आपको लेनी है, मुझे नहीं, समझ गए ना? क्या पढ़ रहा है तू? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा? मैं तुझसे बड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा। बस हो गया दीदी। ये ले। हाँ। दीदी बस। स्वीट ब्रदर। नमस्ते। समाज में इंसान सर उठाकर नहीं जी सकता, ये मैं आपको बताने आई हूँ। सुधा एक निर्दोष लड़की थी, हॉस्पिटल में नर्स का काम करते हुए बहुत रोगियों की उसने सेवा की थी, लेकिन आज अपराधियों के हाथों वो मारी गई। सुधा मेरे बहुत करीब थी, वो एक आध्यात्मिक लड़की थी, बहुत नरम दिल की लड़की थी वो। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन आज मैं उसके मौत की खबर आपको दे रही हूँ। छोटे से गांव से आकर उसने नर्स का काम सीख लिया था। उसके माता पिता नहीं थे, अपने इकलौते भाई को वो पढ़ा भी रही थी। पिछले महीने के 26 तारीख को उसकी जिंदगी में अचानक एक भूचाल सा आ गया। हॉस्पिटल में जॉब हासिल करके सिटी के दूसरे प्रांत में रहने वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट देने जाना ही उसकी मौत का कारण बन गया। अत्याचार और अपराध के कारण बलि चढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए हमें लड़ना होगा, और यही उम्मीद मैं आपसे भी कर रही हूँ। निर्दोष सुधा को इतनी बेरहमी से अत्याचार के साथ मारने वाले द्रोहियों को सजा दिलानी ही होगी, और यही हमारे टीवी 16 चैनल ने ठान दिया है। आपके दुख और आपकी आवाज़ हमसे मिलाइए, अत्याचार और इन अपराधियों के खिलाफ हम लड़ते हैं। सुधा की आत्मा को शांति दिलाते हैं, अब से दूसरी अभागी लड़कियों को सुधा की तरह बलि होने से रोकते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं अपने गांव गया था। आते ही नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी शिवा, दुखी मत हो। कभी कभी जिंदगी की गलतियां हमें एक शिक्षा देती हैं, सीख मिलती है उनसे, और यही विधि का विधान होता है। मैं तुझे एक कड़वा सच बता रहा हूं, मुझे पता है ये सुनकर तुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तू जीतेगा शिवा, जरूर जीतेगा। जाने वाले हमें छोड़ के चले जाते हैं, और यही सच्चाई है, यही कड़वा सच होता है, लेकिन हमें यह सहना पड़ता है। शिवा, दुखी होके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। अपनी दीदी से तुमने जो हासिल करने का वादा किया था उसे हासिल करके दिखा दो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी शिवा, और खुशी से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी।
आवारा लोग इसी एरिया में घूमते रहते हैं। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ या घर को लौटती हूँ तो ये छेड़ते रहते थे। ठीक है, चलिए मैं आपको आपके नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। ये लोग आपको वापस परेशान कर सकते हैं। पहले पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी कंप्लेंट लिखवाओ। ठीक है सर। रुकिए, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, चलिए हम भी चलते हैं। हमें अभी तुरंत एसीपीजी से मिलना है। वो किसी से नहीं मिलते हैं, जाइए। एसीपी से मिलना है, एसीपी से मिलना है, एसीपी से मिलना है,
आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। सर ये हमारा विनती पत्र है, दया करके देख लीजिए। ओके, आई विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तुम में से यहाँ कोई नहीं रुकेगा, चलो जाओ हटाओ इन्हें। ठीक है सर, जाइए 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 सब लोग। सुना खान, इन्हें लेके आओ। सर, इन सबको अंदर डाल दो। ओके सर, ओके सर, ओके सर, चल चल, चलो चलो अंदर। टुडे इज अ वेरी बैड डे। मेरे करियर में मुझे डिस्कस्टिंग लगने वाले मामले में भी बहुत सारे फैसले दिए हैं मैंने, पर आज ये फैसला देने के लिए मुझे दिल से गुस्सा आ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2019 में पुलिस के द्वारा रजिस्टर किए हुए रेप केस की संख्या 40,000 से ऊपर है। एक साल में 40,000 केसेस हुए तो फिर एक दिन में कितने घंटे होंगे? ये बात बताने के लिए मेरी जुबान कांप रही है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं, एक दिन में 110 महिलाएं इस अत्याचार की शिकार बन रही हैं। ये हमारे नेताओं के लिए, पुलिस वालों के लिए, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और तो और जनता के लिए भी कितनी अपमानजनक वाली बात है। ये अत्याचार हमारे देश के लिए, मानव समाज के लिए बहुत बड़ा पाप है। हर काम में जात पात धर्म कहकर आगे बढ़ने वाले हम ये अत्याचार करते वक्त जात पात धर्म देश सबको भूलकर एक असभ्य की तरह बर्ताव करते हैं। मौका मिला तो बस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। माइक मिला तो बस लड़कियों के रक्षक के बारे में हम सब बात करने लग जाते हैं। पर यहां मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, यह सब ठीक करने में और कितना टाइम लगेगा? एक बार आप सभी अपने खुद के बारे में सोचिए। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस केस की सुनवाई के विषय में अगर कहें तो ये तीन लड़के पुराने अपराधी हैं। कितने सालों से ये अनेक अपराध करते हुए बचकर घूम रहे थे, पर इस प्रतिमा बलात्कार केस में आज आकर फंस गए हैं। उसे बहुत क्रूरता से, बेरहमी से, तड़पा के, हिंसा करके, उसका अनुभव लेके हत्या किया ये स्वीकारने के कारण इन तीनों को ये अदालत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। एसीपी सर, जज ने क्या फैसला लिया? रेपिस्ट को उसके गुनाह की सजा मिली है। नंदिनी, कानून ने भले इन तीनों को सजा दे दी हो,
लेकिन ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। रुक जाओ। चला। तुम एक बार जेल आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चल। ओके सर, कल आपने बताया था ना सर। यस सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू। मोहन, जेल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने क्रिमिनल के इंटरव्यू की परमिशन नहीं दी। तुम्हें उन्हें कन्विंस करना होगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी पे अच्छा प्रोग्राम होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है मोहन, तुम कुछ ना कुछ करके उनसे परमिशन लोगे ऐसा सोचा था। जो हो सकता था मैंने किया, पर आइए मैडम। ए धनंजय, धनंजय। ओ श्रीनिवास जी, इस समय कैसे आना हुआ? मैंने ऑलरेडी कहा था ना। हाँ हाँ आओ। मैडम मैंने बताया था ना जेल पीसी धनंजय। बी केयरफुल। फोन में मेरा नंबर सेव कर दिया है और नाम है महेश कटारी। ओके मैडम, ठीक है मैडम। मैडम जी बोल रही है ना? मैं हूँ, बोलो महेश। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलेगा महेश, तुम बताओ। मैडम वो एसपी झूठ बोल रहा है। प्रतिमा का रेप हमने नहीं किया है मैडम। तो फिर रेप किसने किया? बड़े घर के लड़कों ने किया है मैडम। जस आपका बेटा कोमल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बेटा राजेंद्र और एमएलए का बेटा सूर्या मैडम। तो तुमने ये जुर्म एक्सेप्ट क्यों किया? वो दूसरी कहानी है मैडम, बाद में बताऊंगा, अभी रखता हूं। कोमल, तुम सुधरे नहीं कोमल? I'm sorry पापा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे सॉरी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना तुम? तुमने जो गंदा काम किया है उसे छुपा के तुम्हें दूसरा जन्म दिया है मैंने। गलत जजमेंट दे के ही कमाया हुआ पैसा है ना, तो मेरी गलतियां छुपाने के लिए खर्च किया तो इसमें गलत क्या है?
डॉगी अगर गंदा खाता तो बेटा भी तो वही खाएगा ना। शट अप। दोबारा अगर कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो मैं तुम्हें अब बचाऊंगा नहीं, जेल में बासी खाना खाना पड़ेगा। माइंड इट, कल से तुम अपने चैम्बर्स में जाके काम काज देखो। ओके बाबा, जाऊंगा। गुड नाइट। राजा, कुछ दिन पहले तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो गई, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। इतना पैसा खर्च करके तुम्हें बाहर निकलवाया, वरना अब तक तुम फांसी पर लटक चुके होते। ठीक है, कल से जल्दी आ जाऊंगा मम्मी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, ठीक है? राजा, जो हो गया सो हो गया, मेरी बात मानो, बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छे रास्ते पर चलो, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओ। हेलो मिस्टर, आपको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप मेरे सगे बाप नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा बाप नहीं बन सकता है। राजा, ज़बान संभालो। ये कौन होते हैं मुझे लेक्चर देने वाले? बकवास मत करो, एक और शब्द इनके खिलाफ निकाला ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी। हो जाऊंगा बाहर, जरूर होऊंगा, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप ने जो तुम्हें पैसे दिए ना, उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी लाके दे, फिर गेट तो क्या, कंट्री से बाहर चला जाऊंगा। अच्छा, हाल ही में तुम्हें पुलिस से छुड़वाया है, किसने पैसे दिए थे? तुम्हारे दादाजी ने? मेरे बाप ने जितनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दी है ना, उसका 1% भी खर्च नहीं किया है। हिसाब किताब कल देख लूंगा। गुड नाइट। इट्स ओके। लाखों खर्च करके, पावर का इस्तेमाल करके, तुझे रेप केस से क्यों बाहर निकाला जानता है? कल तू एमएलए बनके इस स्टेट का सीएम बनेगा। इसलिए पापा, आपके होते हुए मुझे कैसा डर? जैसी आपकी इच्छा, मैं सीएम बन जाऊंगा। ए मंदबुद्धि गधे, मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझ। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तेरा बिहेवियर देख रहा हूं तो किसी और मुसीबत को तू घर ले आएगा ऐसा लग रहा है। डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब मुझे मत बता, आज से तेरा रेव पार्टीज में जाना, लड़कियों के साथ घूमना, ये सब बंद करके मेरे साथ पॉलिटिक्स में उतर, राजनीति सीख। सीखने का क्या है पापा, आप वैसे भी रूलिंग पार्टी में हो ना, किसी भी चुनाव में मुझे एमएलए के पद पे खड़ा करके जिता के देखो, तभी मैं क्या हूँ, मेरी समझदारी कितनी है साबित करूंगा। क्या साबित करेगा, क्या साबित करेगा? अगर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ऐसा कर दिया तो मेरी पॉलिटिकल लाइफ को खत्म करके तेरे साथ मैं भी घर पर रहकर भजन करूं क्या? भजन करूं है? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। नो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन, कल से तू मेरे साथ ऑफिस में आएगा, मेरा काम सीखेगा, बस। गुड नाइट एंड गेट लॉस्ट। सॉरी नंदिनी, थोड़ा लेट हो गया। आओ बैठो। की डेट बताइए। 29 January 2021। नंदिनी, एक बार ये पेज देखना। वाओ, मेडिकल एग्जामिनर ने सिस्टम को इतनी इजीली हैक कर लिया। देखा ना,
कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे नहीं हूं मैं. यू आर राइट. यस, दिस इज टेम्पर्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट. मतलब कोर्ट में जिन रेपिस्ट को सजा मिली है ना, उनके डीएनए मैच किया हुआ एविडेंस है ये. शिवा, और पुराने रिपोर्ट्स हैं क्या? देखो. ओके, मैं देखता हूं. सेम डेट है ना? हाँ. अभी देखो. Luckily they have not deleted this report. I want this report. Okay. Pen drive है क्या? तो मैं copy करता हूँ. I want both the reports. हाँ. Yes. Copy हो गया. Superb. सर, मैं बादशाह बोल रहा हूँ. हाँ बादशाह बोल. हमारा सिस्टम हैक हो गया सर. तुझे कैसे पता? ऑनलाइन पासवर्ड काम नहीं कर रहा है. रैंसमवेयर मैसेज आ रहे हैं सर. हाँ तो वो प्रतिमा रेप केस ओरिजिनल रिपोर्ट्स को हैक किया है, ये मेरा अनुमान है. डिलीट करने को बोला था ना? वो मुझे पता नहीं सर, हमारे डायरेक्टर जी को पूछना पड़ेगा. ए, वो क्या बोलेंगे? डिलीट कर. ओके सर. इडियट. यस मैडम. रामदेव हॉस्पिटल से एक नर्स हमेशा यहाँ आया करती थी ना? हाँ. 26 तारीख को यहाँ आई थी वो? वो एक पेशेंट को देखने आया करती थी. अभी आई या नहीं रजिस्टर देख के बताता हूँ. हाँ मैडम, उस दिन एंट्री नहीं है मैडम, नहीं आई थी. लेकिन आप कौन है मैडम? मैं TV16 की रिपोर्टर हूँ. किसी को भी अंदर आने दोगे? ऐसे कैसे चलेगा? प्रोग्राम हेड भी हूँ. मैडम, मैं यहाँ तभी नाइट ड्यूटी के लिए आ रहा था, तब रास्ते में क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हैं? बाइक प्रॉब्लम. क्या है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ. नहीं, मैंने मैकेनिक को कॉल किया है, वो आता ही होगा. ठीक है, ध्यान रखना. हाँ ठीक है. वो जगह कहाँ है? इधर ही पास में है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है मैडम. आप मुझे दिखाएंगे प्लीज? ठीक है मैडम, आइए. मैडम यही है वो पैलेस. ओके, चलता हूँ मैडम. थैंक यू. कहिए मैडम. 26 तारीख को एक लड़की की स्कूटर यहाँ खराब हुई थी, आपसे उसने मदद मांगी थी क्या? नहीं नहीं, उसने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो धक्का मारते हुए आ रही थी. क्या हुआ मैडम? स्कूटर खराब हो गई. अब तो बहुत अंधेरा हो गया है और आप अकेली हैं ना? नहीं कोई बात नहीं सर. आगे प्रॉब्लम हो सकती है, आप अंदर आ जाइए. प्रॉब्लम, कार में बैठिए मैडम. मैकेनिक लेकर आएंगे. ओके सर. आइए. क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? पहचानता हूँ मैडम. आप क्या पुलिस डिपार्टमेंट से हैं क्या? टीवी चैनल की रिपोर्टर हूँ. मैडम वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है.
ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्यों रोका? मैंने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलेंगे। ए, रहने देते हैं यार, मेरी बात मान यार। माल क्या मस्त है यार, फ्रेश स्पीस। अच्छा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नंदनी, ये लो वॉच। क्या हुआ? एक्चुअली ये वॉच एमएलए के बेटे सूर्या की है। मैंने इस वॉच के डीलर से कांटेक्ट किया था, ये इंपोर्टेड वॉच है। दिस इज हिब्लट वॉच। द कॉस्ट ऑफ द वॉच इज, यू बिलीव और नॉट, 50 लाख रुपीज। इस पे जो नंबर है, डीलर के पास जो नंबर है, मैच हो गया। दिस विल बी अ परफेक्ट एविडेंस फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस, मे आई कम इन? प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं टीवी 16 की रिपोर्टर नंदिनी हूँ। तुमने ही फोन किया था ना? हाँ सर। बैठो बेटी। थैंक यू सर। ये प्रतिमा रेप केस के बारे में बात करूंगी कहा था ना? मैंने सारे सबूतों का मुआयना कर लिया है। उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तुमने कहा कि ये वो तीन लड़के नहीं है, दूसरे हैं, तो मैं शॉक हो गया हूं। अभी तुम्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करके, क्लोज हुए केस को रीओपन करके, तुम सच्चाई को बाहर लाना चाहती हो ना? यस सर। तुम जो इन्वेस्टिगेट कर रही हो सब स्ट्रांग हुआ है और एविडेंस सब पक्का अगर हुआ तो इस केस को तुम जरूर जीतोगी बेटी। आज के जमाने में अगर मैं कहूं तो पैसों का ज्यादा बोलबाला लगता है।
केस को बहुत सोच समझ के और सावधानी से हैंडल करना होगा। उसी तरह न्याय के लिए लड़ने वाले एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है सर। तो अगर मैं ये मैटर मीडिया में एक्सपोज करूंगी तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा? देखो, मीडिया में केवल सेंसेशनल मैटर बनकर ही रह जाएगा, एंड आई हेट दैट। उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा। ओके सर। व्हाटएवर इट इज, एट द एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। यही बहुत ही मुश्किल है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू इट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बोलो नंदिनी। सुधा रेप केस में असली अपराधी कौन है मैंने पता लगा लिया है। आई हैव ऑल द एविडेंसेस। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी हिल जाएगा। जज से मैंने बात की है, सिर्फ न्यूज में दिखा कर छोड़ देंगे तो काफी नहीं होगा। वी हैव टू फाइट द केस। वी हैव टू एक्सपोज दिस केस मोहन। इस सब के पीछे हाथ है एसीपी प्रताप का। जब वो सुधा को ले जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए देखने वाला गवाही देने के लिए तैयार है। नंदिनी, ये रेप का केस ऑलरेडी क्लोज्ड है। तुम्हारे पास कोई और न्यूज हो तो लेकर आना। मोहन, ये तो बहुत गलत है। बड़े लोग पैसे और अधिकार को बीच में लाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रतिमा के केस में तुम इमोशनली बिहेव कर रही हो। अगर चैनल में कोई स्टोरी जानी है तो हम सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा। He's right, नंदिनी। चैनल में स्टोरी डाल नहीं सकते हैं। सर, आप भी? Anyhow, tomorrow I'm going to states. That you know very well. अब से यहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा मोहन किशोर डिसाइड करेंगे, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। ये नालायक सारे सबूत छोड़कर के आ गया और वो लड़की सारे सबूत ढूंढ कर ला रही है। बाबा, एए, बात मत कर। उस लड़की में जितनी अकल है उसमें से कम 5% भी इनके पास होती तो कब के सफल हो जाते। कम से कम सबूत को भी नहीं गायब कर पाए। यूजलेस फेलोस। मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो। जीएम सर, टेलीकास्ट की धमकी देकर उस लड़की से सारे ओरिजिनल एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस लड़की को चैनल से बाहर कर दीजिए। आप जितना समझ रही हैं उतनी भोली नहीं है वो लड़की। ओरिजिनल एविडेंस उसने कहीं छिपा दिए हैं। किसी जज से मिलकर इस केस के बारे में उसने बात की है। कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आना चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए एमएलए साहब, दूसरा कोई भी चैनल वाला उसे टेलीकास्ट नहीं करेगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। ऐसा है तो अच्छा ही है, कोई भी समस्या नहीं होगी। एसीपी सर, सबसे पहले वो एविडेंस छीन लीजिए। वो अगर बाहर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैडम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा।
प्रतिमा अत्याचार के केस को हम एक्सपोज कर रहे हैं। कोर्ट ने 3 लोगों को सजा दी है। ये काम कुछ बड़े लोगों के बेटों ने किया है और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की है और मीडिया को इस बारे में विस्तार में बताया है। प्रतिमा के साथ अत्याचार करने वालों में से हैं फेमस जज के बेटे कोमल, पॉपुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बेटे राजेंद्र, प्रसिद्ध पार्टी के MLA श्याम शिवराव जी के बेटे सूर्या, और ये बात साबित हो चुकी है। ए कोमल, क्या हुआ यार? बहुत बुरा सपना था यार। बुरा सपना ही था ना, क्या देखा तूने? यार सपने में उस लड़की का रेप हमने किया, ऐसा टीवी पे टेलीकास्ट देखा। ए सपना ही था ना, डोंट वरी, आराम से सो यार। यार मैंने मना किया था फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। थोड़े से पैसे में कोई भी मिल जाती यार, लेकिन फ्रेश पीस चाहिए, मस्त माल चाहिए बोल रहा था ना, इसमें बहुत मजा आएगा। पैसे देके ऐसी माल नहीं मिलेगी, यही बोल रहा था ना तू मुझसे। उस लड़की को देखते ही मैंने मना किया था फिर भी फॉलो किया। अब देखो फंस गए ना हम सब, इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। डर के मारे दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा यार, इस बार लग रहा है हम लोग सच में फंस जाएंगे यार। जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना है वो सोच। पहले उस SCP को फोन कर। हाँ, करता हूँ। पुलिस, आप अंदर कैसे आ गई? 1 मिनट। आप क्यों आए हैं? बिना वजह पुलिस किसी के घर में नहीं आती है। यू आर अंडर अरेस्ट। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर होम मिनिस्टर फार्म हाउस में जाने के लिए तुम पर ट्रेस पासिंग का केस किया है और वहां पे ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी लगी है। सो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सच नहीं है ACP, रीजन कुछ और ही है। तुम जिन लोगों की चमचागिरी कर रहे हो ना, उनके बेटों की सच्चाई में सामने ना लाऊं, यही चाहते हो ना? बताओ। सर पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला सर। तुम जो एविडेंस ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो जहाँ होना चाहिए वहाँ सलामत है। कल तुम्हें पकड़वाने के बाद उसे कब कहाँ कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तुमने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसका आंसर वो ट्रेसपासिंग है ही नहीं, जर्नलिज्म एथिक्स है। और सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाना, दैट इज कंप्लीटली सेल्फ डिफेंस। मेरे काम के बीच में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरा लॉयर उन्हें जवाब देगा। देखा। यहां क्यों लेकर आए हो? तुमसे थोड़ी देर पर्सनली बात करने के लिए। नंदनी, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है मुझे दे दो और आराम से जाओ। चले क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अरेस्ट किया है ना, इंक्वायरी स्टार्ट करो, मुझे दूसरे काम है, मुझे कहीं और जाना है। मेरी बात अगर नहीं मानोगी तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें होगा।
देखिए मैडम, डोंट टेक इट सीरियसली। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। सेटल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। कितना चाहिए बोलो, फेंक देंगे। एक्सपोज करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? सेटल होने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं ना। एक औरत का बलात्कार करके उसकी जान लेने के लिए तुम लोगों को प्रायश्चित करना ही होगा। तुम लोग क्या मुझे भाषण देने आए हो यहाँ? गेट लॉस्ट। अगर अभी इसे छोड़ दिया तो कल हम सबकी हालत भगवान से प्रार्थना करने पर भी माफी नहीं मिलने वाली। उधर से रुक, भाग रही है। Oh!
आया। भी मर गई क्या? क्या क्या हुआ? सांस नहीं ले रही यार। शिवा, नंदिनी को होश आ गया है। बेटा नंदिनी, थैंक यू शिवा। क्यों बेटा, अब कैसा लग रहा है? हाँ? क्या है बेटा ये सब? एक्सक्यूज मी, आप सब 5 मिनट बाहर वेट कीजिए, डॉक्टर आ रहे हैं। मुझे इसे इंजेक्शन देना है, आगे की ट्रीटमेंट डॉक्टर ही आकर करेंगे, सो प्लीज। चलिए अंकल। नंदिनी, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ बेटा। सर प्लीज। Thank you.
अच्छा ये बताओ पेशेंट किधर है? कौन पेशेंट सर? वन मिनट। फेमस न्यूज रीडर एंड टीवी 16 रिपोर्टर नंदिनी जी, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है ना, तो फिर कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? कंप्लेंट दूंगी तो उन्हें अरेस्ट करने का दम आप में है? अपराध को छुपाना भी अपराध होता है। आपके डिपार्टमेंट ने असली अपराधियों को छुपा कर रखा है ना, तो फिर वो अपराध नहीं है? इस पर आपका क्या जवाब है? ये सब बात छोड़ो, मैं इस एरिया का SI हूँ और मुझे चाहिए समाचार। आपके ऊपर अत्याचार कब कहाँ कैसे हुआ ये बताइए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, मैं अभी कंप्लेंट नहीं दूंगी। कंप्लेंट जब देना चाहूंगी तब आपके पास ही आऊंगी। अभी के लिए आप ओके, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। हेलो शिवा, नंदिनी आप कैसी है? नंदिनी अभी तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आए थे। अच्छा, मैंने इन्फॉर्म किया था। आपने गलत किया डॉक्टर। नो, कल अगर कोई केस हो गया तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एज ए डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म पुलिस। सर, मैं सब इंस्पेक्टर विश्वास बात कर रहा हूँ। विश्वास बोलो। वो रिपोर्टर नंदिनी अभी जिंदा है सर। उस लड़की को मैं संभालूंगा, आप आ जाइए। ओके सर। गुड मॉर्निंग। कौन है आप? डॉक्टर ने भेजा है। किस लिए? इंजेक्शन देने के लिए। मुझे तो कुछ बताया नहीं था। पॉइजन इंजेक्शन देने के लिए मुझे भेजा है। Ah!
Are you okay? Shit! भाग गया वो। आ जाओ। चलो। बैठो ना। कब तक चुप रहोगी? आखिर कब तक? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हाँ नंदिनी, तुम कहीं भी रहो, वो लोग पता लगाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सब कैसे खत्म होगा? तो फिर सॉल्यूशन भी तुम ही बताओ। यस, हम खुद एक यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे और तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसको उस पर अपलोड करेंगे। इट्स अ गुड आइडिया। एक्सपोज करेंगे तो क्रिमिनल्स की हिस्ट्री पब्लिक को पता चलेगी, पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करेगी, फिर वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ यू बिकम पॉपुलर, नोबडी विल टच यू। इस मैटर को जितना जल्दी हम पब्लिक में रिलीज करेंगे उतना ही अच्छा होगा, अदरवाइज योर लाइफ विल बी इन डेंजर। नंदिनी, समझ गई? तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन इस नीच समाज में न्याय व्यवस्था पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर जो घाव लगे हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। इसीलिए इसके लिए जो रास्ता मैंने चुना है वो बहुत अलग है। हेलो, कुमल जी बोल रहे हैं? हाँ। आपको ओरिजिनल एविडेंस चाहिए, मैं राइट? आप कौन है? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एविडेंस चाहिए तो जहां मैं बुलाऊं वहां पर आना होगा। अब वैसे कहां आना होगा?
कॉल तुम लोगों ने किया था क्या? हमने ही किया था। एविडेंस कहाँ है? ये देखो पैसे लेके आया हूँ, लेकिन मुझे ओरिजिनल एविडेंस चाहिए। आ जा, देता हूँ ना, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। क्या ये? और कितनी दूर लेके जाओगे? पास में ही है, चलना। आजा। ए, रुक! ही हूँ। देख मुझे छोड़ दे, नहीं तो चिल्लाएगा चिल्लाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। नहीं तो वो लोग तुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? मेरे दोस्त। उस दिन याद है ना, जब मैं चिल्ला रही थी तो तुमने क्या किया मेरे साथ? औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। उसे आने को बोल यहाँ। बुला कहा ना? कोमल। हेलो। ए राजेंद्र, कहाँ है तू? तू कहाँ है यार? चिंतल HMD फैक्ट्री आ जा। अरे मैटर क्या है ये तो पता पहले। जल्दी आना यार। अब यार लगता है ये किसी लड़की के साथ मजाक कर रहा है यार। अच्छी जगह है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। वैसे लड़कियों को मना करता है ना वो? हो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी जगह पर लड़कियों को सेट किया है ना। ए कोमल,
यार कहाँ है तू? और तू यहाँ क्या कर रही है? लड़कियां चाहिए क्या? पूछ रहा हूँ कोमल कहाँ है, तो बता क्यों नहीं रही है? वो तो कब का चला गया? मुझे भी बुलाया है उसने। कहाँ चला गया? माँ याद आ गई क्या? कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करती है, उन सभी की तरफ से तुझे तो। मर गया, छोड़ो। अबे यार कहां मर गया था तू? 24 घंटे से वेट कर रहा हूं तेरा, एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं, अभी कहां पर है तू बता मुझे, टेंशन से जान निकल रही है मेरी। हेलो सर, आप सूर्य बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे दोस्त का फोन नंबर है। सर यहाँ एक डेड बॉडी मिली है सर। व्हाट, डेड बॉडी? क्या बकवास कर रहे हो? जैसा आपने कहा वो राजेंद्र की ही हो सकती है, एक बार आके कंफर्म कर लीजिए सर। मैं अभी आता हूँ, एड्रेस बताओ। एड्रेस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। फोन तुम्ही ने किया था क्या? पहले बताओ सूर्या तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। हमारे पीछे आ, डेड बॉडी दिखाते हैं। हेलो, ए ये कहाँ लेके आ गए? डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी कहाँ है? ए, बोल, मेरे दोस्त की बॉडी कहाँ है? मतलब मेरे दोस्त को तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, बोल। Yeah!
इतनी जल्दी मुझे रेडी भी कर दिया? तो फिर मुझे ऐसे बांधा क्यों? खोल, खोल दे, खोल दे। और एक बार मजा। मजा आ जाएगा। मुंह बंद कर। लड़की देखी तो बस उससे हवस की नजर से ही देखोगे? क्यों रे, कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? लड़की क्या सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है? ए, ऐसे टाइम में कोई प्रवचन देता है क्या? आ, 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 अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग समाज के कीड़े होते हैं और तुम जैसे कीड़ों को कानून, न्यायालय सब सपोर्ट करते हैं। तुम जैसों को कोर्ट में खड़ा करने के बाद भी केस लड़ने वाला तुम्हारा लॉयर भी तुमने रेप नहीं किया है ये प्रूफ करता है। माँ के रूप में, बहन के रूप में तुम्हें औरत चाहिए। पढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, तुम्हारा काम करने के लिए भी औरत ही चाहिए। ऐसे अगर तुम्हारी दुनिया की औरत ने एक बार बदला लिया तो कैसा होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और इसीलिए तेरी मौत देखने के बाद उन दरिंदों को हम लड़कियां क्या होती हैं, हमें कितनी इज्जत देनी चाहिए, ये हर एक को बराबर से समझ में आ जाएगा। बलात्कार करने वाले उन तीन जानवरों को भले ही कानून ने सजा ना दी हो, गलत है ये जानते हुए भी नंदिनी ने कानून को अपने हाथ में लिया और उन्हें सजा दी। और उसके बाद वो अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करके खुद भी सजा की भागीदार बनी। औरतों का आदि शक्ति के रूप में पूजा होने वाली इस धरती पर अन्याय करने वाले इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, पैदा हुई बच्चियों के लिए, पढ़ने वाली मासूम लड़कियों के लिए, नौकरी करने वाली औरतों के लिए,
गृहिणियों की रक्षा करने के लिए हम सबको लड़ना होगा। ये हमारे समाज में हर एक इंसान का कर्तव्य है। Turn into dust for me.